दाऊद साहब का फ़ोन था, उन्होंने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तो चाय पे आ सकोगे तुम? पाकिस्तान के कराची में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम या तो मारा जा चुका है या फिर जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया है। अब दाऊद इब्राहिम जिंदा है या फिर मर चुका है ये बात तो दूसरी है, लेकिन इस टाइम पर हर कोई दाऊद के बारे में बहुत सारी बातें कर रहा है। दाऊद के पुराने किस्सों को एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। दाऊद का बॉलीवुड से कनेक्शन, दाऊद ने किस किस को धमकी दी, दाऊद ने किस को मौत के घाट उतारा, ऐसे कई सारे किस्से हैं जो कि लोगों के जुबान पर है। दाऊद इब्राहिम और बॉलीवुड का कनेक्शन काफी गहरा रहा। बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो कि दाऊद इब्राहिम की लाइफ पर बेस्ड हैं। साल 2013 में डी डे नाम की एक फिल्म आई थी जिसमें ऋषि कपूर ने दाऊद का रोल प्ले किया था। इस दौरान ऋषि कपूर दाऊद से मिलने भी गए थे। ऋषि कपूर ने अपनी किताब खुल्लम खुल्ला में दाऊद इब्राहिम से जुड़ी कुछ बातों का जिक्र किया है। एक्टर की ये मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। ऋषि कपूर ने कई बार अपने इंटरव्यूज में इस बात का खुलासा भी किया था कि दाऊद इब्राहिम ने उन्हें चाय पर बुलाया था और इसी के दौरान जो उन दोनों के बीच बातचीत हुई उसका भी उन्होंने खुलासा किया। ऋषि कपूर ने बताया था कि जब ऋषि कपूर दाऊद से मिलने गए तब उनकी काफी खातिरदारी हुई। दोनों की एक खास मुलाकात एक चाय पर हुई थी और इसी दौरान दाऊद इब्राहिम ने ऋषि कपूर की काफी तारीफें भी की थी। ऋषि कपूर दाऊद की मुलाकात इतनी खास रही थी कि डॉन ने उन्हें ये तक कह डाला था कि अगर कभी ऋषि को पैसों की जरूरत हो या फिर किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े तो वो बिना हिचक उनसे कह सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऋषि कपूर के पिता राज कपूर के निधन के बाद दाऊद ने अपने गुर्गे को राज कपूर के अंतिम संस्कार में भी भेजा था और ऋषि कपूर से मिलने के लिए कहा था, जिसके बाद ऋषि कपूर ने यह खुलासा किया था कि दाऊद खुद तो नहीं आया लेकिन दुबई से उसने एक ऐसे शख्स को भेजा था जो कि उनके पिता की मौत पर उन्हें सांत्वना देने के लिए आया था। डी डे फिल्म में ऋषि कपूर के साथ श्रुति हासन, अर्जुन रामपाल, इरफान खान, हुमा कुरैशी और संदीप कुलकर्णी भी नजर आए थे। अगर आपने फिल्मी बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए। बॉलीवुड और टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।